नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार प्रीतिश कुला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। यूपी में कोरोना वैक्सीकरण का दूसरा फेज शुरू हो गया है। जालौन में दूसरे फेज में सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाना है। शुक्रवार को जालौन के जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर और एसडीएम ने कोविड 19 की वैक्सीन लगवाई, जिन्होंने सुबह जालौन के मुख्यालय उरई में जिला नेत्र अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आए। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने उरई के जिला नेत्र अस्पताल पहुंचकर कोविड 19 वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी उरई सत्येंद्र कुमार ने भी कोरोना टीकाकरण करवाया। जनपद में 5,50,000 राज्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। जालौन के डीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी व्यक्ति अफवाहों के चक्कर में न आए। और उन्होंने बताया कि मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है और मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। सर, आज से राजस्व के टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है, और आपके बारे में सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे और कितने राजस्व कर्मियों का इसमें शामिल है? देखिए, आज राजस्व कर्मी जितने हमारे हैं वो सब शामिल हैं। आज टीकाकरण में लगभग 50 राजस्व कर्मी हैं, और मैंने खुद भी जो है वैक्सीनेशन आज लगाया है, और अभी तक मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। और ये वैक्सीन जो बनाई गई है ये पूरी तरह सुरक्षित है, और इससे जो है आपको कोविड 19 के अगेंस्ट सुरक्षा भी मिलेगी। भय की कोई बात नहीं है, अफवाहों पे जो है ध्यान न दें। अगर आपका संख्या आता है कोविड वैक्सीन लगाने के लिए तो आप उसमें रजिस्टर करें और अपना वैक्सीनेशन जो है ज़रूर करें। सर, जो स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया था उसमें सर अभी 2,000 बाकी रह गए हैं, तो उनको लगाने के लिए सर क्या फिर से प्रयास किया जाएगा या क्या संदेश दिया जाएगा? देखिए, मॉपअप राउंड्स जो हमारे चल रहे हैं उन मॉपअप राउंड्स में जो लोग नहीं आए टीकाकरण लगाने के लिए वो भी अपना जो है वापस आके टीकाकरण लगा सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभा समाचार को सब्सक्राइब करें।